पूरा सीधा रोड, और पूरा देखो तीनों तरफ से उसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है। सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 2, और जिधर हम लोग रुके थे उधर ये प्लेस था, तो मैं सोचा ये प्लेस भी ब्लॉग में दिखा दूँ क्योंकि बहुत सही प्लेस है। देख लो एक बार, फुल पीस। और उधर सामने हमारी बाइक है, कितना सही लग रही है सूखे के बीच में, मस्त एक ब्लैक कलर। सो आज हम लोग जा रहे हैं अहमदनगर क्योंकि हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उधर के लिए। बहुत देर हो गया क्योंकि कल ज़्यादा थक गए थे, सो उनके हमारा नींद ही पूरा नहीं हो रहा था, सो सुबह में सब लेट हो गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सीधा अहमदनगर में मिलूँगा आप लोगों को। पूरा मोटो ब्लॉग आप इन्जॉय करो, उधर भी कुछ अच्छे खासे व्यूज़ है वो भी आपको दिखाऊँगा मैं, तो ब्लॉग में बने रहो। ऑलराइट, सो चलो निकलते हैं अभी। रोड देखो बाकी क्या दिख रहा है, पूरा दोनों साइड झाड़ियाँ, बीच में रोड। इसको इधर आने का मन हुआ था मेरा, सोचा स्टार्टिंग ही इधर से करूँ। बेचारे हमारे आरआर को हम किधर किधर लेके जाते हैं। धूप में ट्रैवल करना यार सच में इतना हालत होता है ना। ऐसे कल हम लोगों ने कुछ ऑलमोस्ट डन किए थे 190 या 194 ऐसा समथिंग कुछ किलोमीटर कल डन किए हमने, अभी तक अच्छा खासा डिस्टेंस बाकी 300 समथिंग। तो आज देखते हैं आज कितना कवर करेंगे हम लोग, बाकी का फिर कल का तो है ही। इधर तो कुछ अलग ही ट्रैफिक है। ग्रीनरी वाला जगह है देखो ना, फुल गांव, वैसे गांव ही है ये। वन मोर ट्रैफिक, ये छोटा है, ये बच्चे लोग कैसा है। हाँ ये देखो ये बच्चे लोग, गंदी वाली धूप है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है इतने धूप में। अभी जस्ट पीछे एक गन्ने का जूस वाला पास हुआ है और हमें तो चाहिए। मस्त निडर था ये, अब से ढूंढ रहे थे इधर मिला हम लोगों को। बाहर धूप तो देखो, चलो रिफ्रेश तो हो गए यार, धूप ने तो हालत खराब कर दी है। वाह,
बाइक की सीट ऐसी गर्म हो गई है ना, बहुत मजा आ गया, पूरा रिफ्रेश। रोड देखो, बाकी रोड एक नंबर है, रोड के बारे में कोई शिकायत नहीं, मगर हमें इधर से एक शॉर्टकट है थोड़ा, रोड ओके ओके टाइप है, मगर जल्दी जाएंगे इधर तक, तो हम लोग वही कैरी करेंगे। अरे बाप रे, व्हाट अ व्यू, क्या सही नज़ारा है। देखो वो कितना मस्त लग रहा है, उधर सब बैल वगैरह फनिला रहे, दोनों साइड पानी, बीच में ब्रिज, मस्त। रोड देखो गाइस, कितना सही रोड लग रहा है, देखो दोनों साइड से जंगल जैसा और बीच में से सीधा रोड, नाइस। लिटरली मैं बहुत थक गया हूँ अभी, तो पहली बार इतना बाइक राइड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने ओह शिट, मैंने आज तक इतना कंटिन्यू बाइक नहीं चलाया हूँ, बट चलो हर चीज़ की पहली बार आम होती है। सफ़र में इतना थक जाते हैं, पूरा डाउन हो जाते हैं, मगर जब जो प्लेस पे जाना होता है उधर हम जाते हैं ना, बस पूरी थकावट निकल जाती है हमारी, मतलब स्पेशली मेरी, मेरी का सबका यही होता होगा सफ़र में, ऑब्वियसली सबको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ। एक तो ये सिंगल रोड, ऊपर से कच्चा रोड, आइस व्यू देखो, पूरा सीधा रोड, अब पूरा देखो तीनों तरफ से उसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है, और सामने वो सिंगल एक विंडमिल दिख रही है, अब अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम लोग उधर विंडमिल के पास जाएंगे। सो फाइनली वी आर इन लास्ट पैच, इतना पैच कवर करेंगे तो जिधर हमें आना था उधर हमें आ जाएंगे। वो विंडमिल वाला जगह इतना औसम है ना, तो लोग उधर एक बार तो राइड करके आना ही था, और आज मैं फाइनली आ गया हूँ इधर। आई होप आप लोगों को भी ये जगह अच्छी लगेगी, और पसंद आई जगह तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब घाट देखो, ये घाट एक बदनाम घाट है, क्योंकि इधर कोई किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बाउंड्रीज वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, और इधर भी हमेशा एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ये घाट सबसे ज़्यादा रिस्क होता है रात के वक्त, क्योंकि तब तो इधर ना कोई लाइट है ना कुछ है, कोई अगर नया ड्राइवर रहेगा इधर आने के लिए वो बेचारा तो चल जाएगा नीचे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है इधर। धूप ने जो हमारी हालत ख़राब की है ना, लिटरली मेरे हाथ देखो पूरा लाल पड़ गए, ऐसा लग रहा है स्किन पूरी जल गई है मेरी, और मैंने जानबूझ के जैकेट वगैरह कैरी नहीं किया, क्योंकि इतने गर्म में राइड करना था, तो मैंने बोला नहीं, जब आज की राइड तो मैं सिंपल एक टी शर्ट में कर रहा हूँ।
आप लोगों को एक बार इधर से एक व्यू दिखा देता हूँ। क्या सही व्यू लग रहा है बेटा। और इस तरफ है विंड मिल्स, तो चलो थोड़ा ही बाकी है। फाइनली हम लोग आ गए इधर, बस मेरे को इधर से उधर जाने का रास्ता देखना है किधर से। ओके, इधर से तो नहीं है, अच्छा इधर से है। देखो एक न्यू वर्क प्लेस, ये एक प्लेस के लिए इतना बड़ा हमने राइड किया। थोड़ा और आगे जाके देखते, बस ऑसम। ओहो हो, गाड़ी का कूलर चालू हो गया, अभी में चालू होते टाइम पे हम आए, नहीं तो नॉर्मली वो ऐसे वो रुकी भी होती है, बट अभी फिलहाल चालू मिले सब, मतलब टाइमिंग तो बहुत सही था हमारा। तो चलो थोड़ा अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं इधर, थोड़ा स्टोरी वगैरह निकालते हैं। आपको पता है स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगी, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आ रहा होगा इधर। सो चलो, सो फाइनली जो जगह आने के लिए हमने राइड किया इतना बड़ा, हम लोग पहुँच गए। एक बार प्लेस देखो पीछे से, बस विंड मिल, और शाम के वक्त इधर मस्त सनसेट होता है, मगर हम लोग दोपहर के वक्त आ गए इधर। हाँ बट कोई नहीं, कंडीशन इतनी डाउन हो गई है ना कंटिन्यूसली, मैं फर्स्ट टाइम इतना राइड कर रहा हूँ, बस लिटरली बोलूँगा मैंने पहले कभी इतना राइड नहीं किया था कुछ नहीं। और अभी कल का एक दिन और बाकी है। सो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। That's it for today. This is Shehbaz signing off.